ओके ओके जी, गुड मॉर्निंग। तो एक छोटा सा पंगा हो चुका है सुबह सुबह, मतलब कि जो यहाँ पे घड़ी आपको नज़र आ रही है वो हो चुकी है ख़राब, क्योंकि इस घड़ी में जो टाइम नज़र आ रहा है वो है 7:15। हाँ, 7:15, और अभी जो टाइम है वो है 4:42, मतलब कि ये घड़ी हो चुकी थी ख़राब। तो इसके लिए सुबह सुबह बहुत गड़बड़ हो चुकी थी टाइम के कारण। तो अभी मैं शॉप से आया और एक छोटी सी घड़ी परचेस करके लाया, क्योंकि टाइम इज़ मनी, तो इसके लिए हमें घड़ी खरीदनी पड़ी। समय नहीं रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस समय पे हमें क्या क्या काम करने है। तो मैंने एक छोटी सी वॉल क्लॉक खरीदी है और यहाँ पर मैं अभी लगाऊँगा इसे और इसे निकालूँगा। तो मैंने अच्छी तरह से लगा दी है वहाँ पे अपनी वॉल क्लॉक नई वाली, तो इसे रिपेयर करना पड़ेगा। बट मैं इसे रिपेयर करने से पहले कुछ कस्टमाइज आर्टवर्क करूँगा, जैसे कि ये जो आपको फ्रेम नज़र आ रही है अंदर वाली, यहाँ पे जैसे कि फ्लावर ड्राइंग किया है एक सिंपल वाला और थोड़ा बहुत रेड वाला एक डिज़ाइन दिया है, तो उसे मैं चेंज करूँगा अपने SDR कलेक्शन में। जैसे कि मैंने रेडियो पे कस्टमाइज़ किया है और मैंने कैप पे भी कस्टमाइज़ किया डूडल आर्ट, वैसे ही इसके अंदर एक छोटा सा डूडल आर्ट वाला आर्टवर्क बनाऊँगा, थोड़ा फ्रेम पे भी मैं टचअप दूँगा। तो जाते हैं हम अपने छोटे से स्टूडियो में और आपको बताता हूँ कि इस पर हम कैसे आर्टवर्क करेंगे, ठीक है? चलिए। और ऐसा लग रहा है कि बारिश गिरने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि 15 मिनट पहले धूप थी और अभी यहाँ पे काले काले बादल, मोटे मोटे काले काले बादल आ चुके हैं, मतलब कि आज भी लगता है कि जोर से बारिश गिरने की पूरी संभावना है। देखो यहाँ पे पूरी पूरा काला काला बादल आ चुका है। ओके जी, तो अपना आर्टवर्क अभी शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जो मटेरियल्स लगेंगे उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो हमें जो मटेरियल्स लगेंगे, सबसे पहली बात तो वॉल क्लॉक जिसपे हम आर्टवर्क बनाने वाले, और फिर उसके बाद लगेगा एक ड्राइंग शीट और एक ड्रेसिंग पेपर, और फिर उसके बाद हमें लगेगा कुछ कलर मटेरियल जैसे कि स्केच पेंस, कलर स्केच पेंस, और फिर एक्रिलिक पेंट्स, और कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें लगे जैसे कि इसकी पेंसिल। और सबसे पहली बात तो जो हमारा आर्ट हो गया उसे शुरू करने के लिए एक चीज़ वो है इम्पॉर्टेंट, मतलब स्क्रू ड्राइवर, उससे हमारा आर्ट वर्क शुरू नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। ओके, तो हमने दो चीज़ निकाल दी इस वॉल क्लॉक की। सबसे पहली बात तो मैंने फ्रेम निकाल दिया ग्लास, और उसके बाद मैंने मैकेनिज्म का जो फ्रेम था ये वाला, ओके ओके, स्क्रू गिर गया यहाँ पे, मिल गया। अगर स्क्रू घूमता था ना तो मैकेनिज्म लगता नहीं था अच्छी तरह से, और ये जो भी पूरा प्रोजेक्ट है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो अभी मुझे मैकेनिज्म का मैंने फ्रेम निकाल दिया, तो मैकेनिज्म का फ्रेम निकालने के बाद मैं निकालूंगा इसका जो ये वाला पार्ट है, ओके ये वाला वो निकाल रहा हूँ। तो ये ओके, तो थोड़ा टफ है ये वाला पार्ट निकालना। हाँ, ये टूटा नहीं ना, नहीं नहीं टूटा नहीं, ओके। और हाँ, ये वाला पार्ट भी निकल गया। तो ओके, टडन टडा, ये सब मतलब प्रॉपरली फिनिश्ड हो चुका है, सब कुछ निकल चुका है। अभी सिर्फ हमारे पास एक फ्रेम बचा है, तो ये देखो आप देख सकते हैं ऊपर वाले एंगल है हमारे पास, तो उससे भी आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह से। तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो है प्रिंटेड वाला उसे भी निकाल दूँ। ऐसे निकाल दिया बाद बहुत ही गंदे कंडीशन में निकला ये वाला पेपर। मुझे ये पेपर चाहिए था क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो प्रॉपर पेपर से ट्रेस करता था, और जो नया शीट है उस पर मैं आर्टवर्क करने वाला उस पर मैं प्रिंट करता था ये नंबर्स। बट अभी कुछ आई थिंक सो बचा नहीं इसमें, बट ट्राई करूँगा मैं इसको ही ट्रेस करने का। थोड़ा निकल गया, जैसे कि ये 2 का पार्ट है थोड़ा बहुत निकल चुका है, और ये वाला भी पार्ट है वो थोड़ा बहुत निकल चुका है, उसे मैनेज कर लूँगा अच्छी तरह से, ठीक है? तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ और सेम साइज़ का बटर पेपर कट करता हूँ, और ड्रॉइंग शीट भी सेम साइज़ का कट करता हूँ, और 5 मिनट में आपसे मिलता हूँ, ओके? तो मैंने जैसे कि कहा था कि बटर पेपर ड्रॉइंग शीट को सेम साइज़ का कट कर लिया है। एक बार मैं अपने जो वॉल क्लॉक है वहाँ पर लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर H2H कट हुआ है क्या नहीं।
ओके तो ये यहाँ पे प्रॉपर एच टू एच कट हो चुका है और बटर पेपर भी एक बार टेस्ट कर लेते। तो बटर पेपर भी एच टू एच कट हो चुका है, इसको बटर पेपर पे ट्रेस करूँगा और फिर इस पे मैं करूँगा। ओके तो ड्रेसिंग वाला काम हो चुका है, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है यहाँ पे और टॉप एंगल शॉट से भी। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ब्लैक मार्कर पेन लूँगा और ये जो भी नंबर्स है उनको हाईलाइट करूँगा और फिर उसके बाद जो अपना आर्ट वर्क है जैसे कि मैं डूडल आर्ट, तो डूडल आर्ट जो बनाऊँगा वो यहाँ पे होगा बीच में और यहाँ से पूरा फ्रेम टाइप लगेगा। ऑलराइट जो आउटलाइन वाला काम था, स्केचिंग वाला काम वो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हमें करना है कलरिंग वाला काम। यूज़ करेंगे एक्रिलिक पेंट और कुछ स्केचपेंस भी यूज़ करेंगे हाईलाइट करने के लिए। और मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत सी जगह छोड़ी, इसके लिए कुछ अच्छा सा थॉट लिखूँगा कि टाइम इज़ मनी या फिर टाइम किसके लिए रुकता नहीं है, कुछ इस तरह का पॉजिटिव थॉट लिखूँगा कि मैं जब भी टाइम दो टाइम की वैल्यू समझ आए और कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है आज का भी। और सिर्फ इतना ही पोर्शन में ड्राइंग नहीं करने वाला हूँ, और जगह पे ड्राइंग करने वाला हूँ, जैसे कि ये जो क्लॉक की फ्रेम है, ये वाली गोल्डन फ्रेम नजर आ रही है, वहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ कि आर्ट वर्क किया जाए। अभी क्या करूँ आर्ट वर्क, कुछ आइडिया नहीं, तभी मैं ट्राई करूँगी नूडल आर्ट का एक प्रॉपर सा एक फ्रेम बनाऊंगा सिर्फ ये वाले पार्ट में और ये वाले गोल्डन वाले पार्ट में और साइड वाले पार्ट में मैं ब्लैक अप एक कोट कर दूंगा और बस इतना ही है। तो जल्द से जल्द कलरिंग वाला प्रोसेस शुरू करते हैं।
ओके, तो आर्ट वर्क रेडी हो चुका है कुछ इस तरह का। तो अभी जो आर्ट वर्क फाइनली रेडी हो चुका है, मतलब कि कलरिंग हो चुका है, मार्किंग मतलब कि आउटलाइन जो फिनिशिंग होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसे साइड में रखते हैं और इस चीज़ की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस यहाँ पे फ्रेम पे मैं कुछ आर्ट वर्क करूँगा, बट उसके पहले ये जो साइड है मैं ब्लैक कलर करने वाला हूँ, उसमें भी कुछ थोड़ा कलरिंग करने का सोच रहा हूँ। मतलब कि प्रॉपर पेंटिंग नहीं, स्प्रिंकल वाला जो रहता है हम घर से करते हैं, उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे करूँगा। तो ब्लैक बेस में ब्लैक कलर दूंगा और स्काई ब्लू कलर से मैं थोड़ा स्प्रिंकल करूँगा यहाँ पे। और इसके लिए मैंने ये और ये है जिस पे टेप लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं आर्ट वर्क करने वाला, तो उसके लिए कलर लेते हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर करते हैं। बट उससे पहले हमें सैंड पेपर लेना पड़ेगा, सैंड पेपर से ये दो सरफेस को रफ करना पड़ेगा और उसके बाद कलरिंग वाला प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा सैंड पेपर और इससे मैं हल्के हाथ से रफ करूँगा। उससे पहले ये जो ग्लास है उसे मैं साइड में निकाल के रखता हूँ, क्योंकि ग्लास टूट गई तो लग जाएंगे। ओके, सो सैंड पेपर से अच्छी तरह से रफ हो चुका है, तो अब हम यूज करेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से पेंट करेंगे ये वाला पार्ट और ये जो बेस नजर आ रहा है पीछे का उसे भी और पीछे के साइड को। और एक बात, जो बैक साइड हम पेंट करने वाले उसके लिए भी हमें रफ करना पड़ेगा। तो रफ करना नहीं तो मैंने तो नहीं बता दिया रफ करने के लिए, बट आप जरूर रफ। स्प्रिंकल करूँगा, मैंने यूज़ किया स्काई ब्लू और लाइट रेड, मतलब पिंकिश थोड़ा, और कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है अभी। तो अभी इसे मैं कुछ 10-15 मिनट सूखने देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टेपिंग है और यहाँ पे टेपिंग है उसे निकालूंगा और यहाँ पे भी एक छोटा सा आर्ट वर्क बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो आर्मी वाला पैटर्न यहाँ पे और यहाँ पे बनाऊंगा, और उसमें जो मैं कलर यूज़ करने वाला वो है स्काई ब्लू और वाइट कलर, उनको मिक्स करके, मतलब मिक्स में अलग अलग यहाँ पे और यहाँ पे। पहले मैंने टेप निकाल दिया, अभी कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। मुझे तो गोल्ड बहुत ही पसंद आ रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं आर्ट वर्क करने वाला हूँ, नहीं करूँ बट करना पड़ेगा, क्योंकि ना गोल्ड कलर पूरा डल हो चुका है, बट दिखने में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ कि अपना जो आटा होगा वो ही करता हूँ। मुझे लगता है कि आटा करूँगा तो थोड़ा नहीं उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं इसे भी सैंड पेपर से रफ करता हूँ और फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता हूँ। आर्टवर्क रेडी हो चुका है, जैसे कि ये पूरा फ्रेम रेडी हो गया, क्लॉक का अंदर का जो मेन हिस्सा है डूडल आर्ट का वो भी रेडी हो चुका है, और ये दो पीसेस है यहाँ पे लगते हैं वो भी रेडी हो चुके। तो अभी हमें एक ही चीज़ करना है, वो है इंस्टॉल करना है इस क्लॉक को। तो जल्द से जल्द इंस्टॉल करते हैं। फाइनली अपना जो आर्ट वर्क है वो रेडी हो चुका है, कुछ यहाँ पे है।
तो बहुत ही मज़ा आया आज का वीडियो बनाने के लिए। आज का जो आर्टवर्क था, जैसे कि एक वॉल क्लॉक आर्टवर्क था, आज का बहुत ही मज़ा आया बनाने के लिए। बहुत सारे मैंने मतलब अलग अलग पैटर्न्स ऐड किए, जैसे कि मैंने डूडल आर्ट बनाया और यहाँ पे मैंने कुछ आर्मी वाला कॉन्सेप्ट किया और यहाँ पे ब्रश को सिर्फ स्प्रिंकल किया, बहुत सारे अलग अलग आर्टवर्क किए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्जी। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। एंड और घड़ी भी ठीक हो चुकी है, अंदर का जो मैकेनिज्म है वो भी मैं रिपेयर करके लेके आऊँगा। जो थॉट है वो पढ़ के ज़रूर जाना ये बड़ा। बाय बाय।